प्रिय भाइयों बहनों, बड़े गमगीन और बहुत शोकमय वातावरण में अब हमारे दिवंगत स्वर्गीय कार्डिनल टेलेस्फोर प्लासिडियस टोप्पो को हमारे बीच में लाया जाएगा। पीछे वाले प्रवेश द्वार से वेदी तक उन्हें लाया जाएगा। उनके सम्मान में सब हम खड़े रहेंगे। इधर उधर आना जाना ना करें, बल्कि अपने जगह में रहें। फादर जॉर्ज के अगुवाई में अभी पार्थिव शरीर को स्नेह स्नेह हमारे बीच में ला रहे हैं। शांतिपूर्वक हम उनका दर्शन करेंगे, मन ही मन उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। Thank you.
तेलस्फोर किए दिल से निकलने वाले शब्द रहे हैं जो कि उनका सकारात्मक सोच को रखता है, और उन्होंने इसी के उसूलों के अनुसार से वे सकारात्मक और बहुत आशावान ढंग से अपना जीवन व्यतीत किया है। आज संत पौलुस के शब्दों में वे कहते हैं, दूसरे तिमोथी अध्याय 4 वचन संख्या 6 और 7 में, मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ, मेरे चले जाने के समय आ गया है, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। निश्चित रूप से सन 1939 से 2023 तक 84 वर्ष की इस लंबी यात्रा में स्वर्गीय कार्डिनल तेलस्फोर पी टोप्पो ने अपनी इस यात्रा को तय कर चुका है। उन्हें अब स्वर्ग में अनश्वर मुकुट का पुरस्कार स्वरूप मिल रहा है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 10 और 11 में प्रभु का वचन कहता है, तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। विजयी को द्वितीय मृत्यु से कोई हानि नहीं होगा, अर्थात योहन का सुसमाचार अध्याय 14:2 में प्रभु कहते हैं, मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान है। योहन का सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्याएं 25 और 26 में ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। आज के इस संताप्त भरे वातावरण में न केवल यहाँ एकत्रित हैं वो क्षुब्ध और आंसुधारा हमारे आँखों से बह निकल रहे हैं, बल्कि हमारे पूरे इस इलाका में सन्नाटा और मातम छा गया है, न केवल इस इलाके में लेकिन पूरे दुनिया में, जो महामहिम तेलस्फोर को जानते थे। संत पापा भी इस खबर से बहुत क्षुब्ध हैं और इसलिए वे एक शोक संदेश, संवेदना संदेश हमारे लिए भेजते हैं, जिनको कि अभी उसे पढ़ा जाएगा। हमारे संत पापा के प्रतिनिधि रूप में आए हुए रेवरेंड मॉन्सिनियोर अल्बर्टो नेपतालिनो आकर के संत पापा का जो शोक संदेश है उसे पढ़कर सुनाएंगे। द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द होली फादर इज गोइंग टू रीड आउट द कंडोलेंस मैसेज बिफोर अस, विच विल बी प्रेजेंटेड बाय मोस्ट रेवरेंड मॉन्सिनियोर अल्बर्टो नेपतालिनो। I request him to read out on behalf of the Pope. The Most Reverend Felix Toppo, Archbishop of Ranchi. Having learned with sadness of the death of Cardinal Telesfor Toppo, Archbishop Emeritus of Ranchi, please accept my heartfelt condolences, which I extend also to the clergy, religious and lay faithful of the Archdiocese, joining you in commending his noble soul to the infinite mercy of God, our Heavenly Father. I recall with immense gratitude
the late Cardinal's years of dedicated priestly and episcopal ministry to the local church of Dumka and Ranchi, as well as his contributions to the wider church in India and to the Apostolic See. His service was always marked by zeal for the spread of the gospel, devotion to the Holy Eucharist, and the generous pastoral care of the poor and those in need. To all who mourn Cardinal Topo's passing, in the sure hope of the resurrection, I cordially impart my blessing as a pledge of consolation and peace in the Lord. Franciscus. And now I will read the message sent by the Secretary of State. Please accept my condolences at the passing of Cardinal Topo and the assurance of my prayers that our merciful Lord will grant him in the reward of his faith and of his tireless labors for the Church. Cardinal Pietro Parolin, Secretary of State. संत पापा ने भी अनुभव किया कि इनके जाने से बहुत ही क्षति पहुँचे हैं संपूर्ण विश्व की कलीसिया के लिए, और आज हमारे साथ हैं संवेदना संदेश के माध्यम से वे हमारे साथ जुड़े। वी वुड लाइक टू थैंक यू मोस्ट रेवरेंड मॉन्सिनियर अल्बर्टो नेपातालिनो फॉर प्रेजेंटिंग द मैसेज बिफोर अस। तत्पश्चात CBCI कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया का संवेदना पत्र को पढ़ सुनाने के लिए श्रद्धेय फादर निकोलस बल्ला जी आ रहे हैं। मैं उन्हें माइक पर आमंत्रित करता हूं। Message from the President, Catholic Bishop Conference. He was a priest for more than 54 years, a bishop for about 45 years, and he was a cardinal for 20 years. Today, as we bid adieu to this great leader of the Church in North India, we remember the innumerable qualities that he possessed. He was a person who had all the qualities of the shepherd. He was easily approachable, a very generous, affectionate, and compassionate person to the poor and the marginalized, and he became the voice of his people. We have many good memories with him as we walked with him on many occasions. I wish very much that I was present in person, but because I have to be part of the synod in Rome, I send this message of heartfelt condolence to the Archbishop of Ranchi, Most Reverend Felix Topo, and to my fellow bishops and the priests and brothers and sisters of various religious congregations, and to all the lay faithful of the Ranchi Diocese. Please accept our condolences from all the bishops of the Catholic Bishops Conference of India. I had personally informed our Holy Father, Pope Francis, about the demise of Cardinal Topo, and the Holy Father cherished his good memories about him, and he asked me to convey his condolences and prayers to all of you. Dear Archbishop Felix Topo, at this moment, we wish that the Archdiocese of Ranchi may grow from strength to strength, guided by the lofty ideals and plans set by your predecessor,
Cardinal Telesphore Tōpū. The Church in India mourns for him today and entrusts him to the Lord who has called him to the heavenly abode he has prepared. Cardinal Tōpū Telesphore has fought the good fight, has finished the race and has kept the faith. May Cardinal Telesphore rest in peace. May his spirit continue to guide the Church in India. Thank you, Archbishop Andrew Thaja, President, Catholic Bishop Conference of India. भारत के सभी बिशपों के नाम से अभी कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि ने प्रेसिडेंट की ओर से जो संदेश था उन्हें हमारे सामने रखा, जिसमें कहा गया कि कार्डिनल टेलेस्फोर हमारे छोटा नागपुर के एक महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने मेषपालीय कार्य द्वारा संपूर्ण कलीसिया का वो रक्षक और मार्गदर्शक बनकर के कार्य किया है। उनका कार्य बहुत ही सराहनीय रहा है। तो ये सुंदर संदेश के लिए, संवेदना और सहानुभूति भरा संदेश के लिए हम पूरे कैथोलिक कॉन्फ्रेंस बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया को धन्यवाद कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का और विशेष करके महानुभूतियों का जीवन के बारे में कहना चाहेंगे तो हमारे लफ्ज कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी औपचारिकता निभाने के लिए मैं अभी श्रद्धेय फादर थियोडोर तोप्पो को आग्रह करूंगा माइक पर कि वे आकर के हमारे दिवंगत महामहिम टेलेस्फोर्ड पी तोप्पो के जीवन गाथा के बारे में पढ़ करके सुनाएंगे। महामहिम टेलेस्फोर प्लासिडस टोप्पो की जीवनी 15 अक्टूबर 1939 से 4 अक्टूबर 2023 तक। महामहिम कार्डिनल टेलेस्फोर पी टोप्पो का जन्म 15 अक्टूबर 1939 में चैनपुर पारिश के गांव झड़गांव जिला गुमला में हुआ था। उनके पिता श्री अमरोस टोप्पो एवं माता श्रीमती सोफिया खलखो के 10 पुत्र पुत्रियां थे। महामहिम कार्डिनल पी टोप्पो माता पिता की 8वीं संतान थे। परिवार में कोई भी नौकरी पर नहीं थे। उनके माता पिता कृषि काम में संलिप्त थे। निसंदेह उनके माता पिता को गरीबी में अपने बच्चों के लालन पालन एवं शिक्षा दीक्षा में मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूरी की तथा माध्यमिक शिक्षा बरवे नगर से और उच्च विद्यालय की शिक्षा बरवे हाई स्कूल चैनपुर से पूरी की। उन दिनों बेल्जियम के येसु समाजी मिशनरी के रूप में टेलेस्फोर के गांव आया करते थे। उन्हें देखकर उसके मन में बिजली कौंध गई। उसने सोचा यदि बेल्जियम के पुरोहित अपने घर परिवार और अपना सब कुछ छोड़कर भयानक जंगलों और नदी नालों को पार कर सुसमाचार सुनाने के लिए सात समंदर पार गरीब आदिवासियों की सेवा के लिए आ सकते हैं तो मैं उनके समान क्यों नहीं बन सकता।
यह प्रश्न उसको पुरोहित बनने के बाद भी झकझोरता रहा। बेल्जियम के पुरोहितों से प्रभावित होकर उन्होंने संत अल्बर्ट सेमिनरी रांची में दाखिला लिया। संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक की डिग्री हासिल की और रांची विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई पूरी की। तत्पश्चात दर्शन शास्त्र की पढ़ाई संत अल्बर्ट्स कॉलेज में जारी रखी। उसने अर्बन पोंटिफिकल यूनिवर्सिटी रोम से ईश शास्त्र की पढ़ाई पूरी की। 8 मई 1969 में धर्माध्यक्ष फ्रांसिस्कुस के द्वारा स्विट्जरलैंड के बासेल में उसका पुरोहित अभिषेक हुआ। महामहिम तेलेस्फोर पी टोप्पो बहुत सी भाषाओं के ज्ञाता थे। कुरुख, सादरी, हिंदी, इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन और संथाली। रोम से वापस लौटने के बाद उन्हें संत जोसेफ स्कूल तोरपा में नियुक्त किया गया तथा कुछ समय के बाद उसी विद्यालय के प्रभारी बनाया गया। 1976 में उन्होंने लीबन्स बुलाहट केंद्र तोरपा की स्थापना की एवं उसके प्रथम निदेशक बने। उसके बाद वे महाधर्माध्यक्ष पीयूष करकेट्टा के सचिव बने। 8 जून 1978 को वे दुमका के धर्माध्यक्ष चुने गए और उसका आदर्श वाक्य था, प्रभु का मार्ग तैयार करो। 7 अक्टूबर 1978 को संत तेरेसा बालिका विद्यालय दुधानी में उन्हें दुमका के द्वितीय धर्माध्यक्ष के रूप में अभिषिक्त किया गया। 8 नवंबर 1984 को संत पिता जॉन पॉल द्वितीय के द्वारा रांची के कोजुदर धर्माध्यक्ष नियुक्त हुए। रांची में रहने के दौरान 4 अगस्त 1985 को उन्हें रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष के रूप में पदोन्नति मिली। 25 अगस्त 1985 को उन्होंने पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारी संभालने की प्रतिज्ञा की। जैसे ही उन्होंने रांची के महाधर्माध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला, उन्होंने कलीसिया के विकास के लिए अपनी योजना और दृष्टिकोण को व्यक्त किया। महाधर्म प्रांत के लिए उनके दृष्टिकोण को इन शब्दों में व्यक्त किया गया था, एनिमेशन, कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन। और रांची की कलीसिया को सुसंगठित और अनुशासित बनाने का उनका सपना था और लगातार उन्होंने इसके लिए काम भी किया। छोटा नागपुर की कलीसिया के लिए उनका दृष्टिकोण और झारखंड के आदिवासियों के लिए उनकी प्रगतिशील योजना की भारत के बिशपों के बीच में बहुत सराहना की जाती थी। आज हम उनके कामों को अपनी आँखों से देख रहे हैं कि उनके सभी काम महाधर्म प्रांत में कलीसिया की बेहतरी के लिए उनके सपनों को साकार करने की ओर उन्मुख है। महामहिम ने हमेशा जाति धर्म अमीर गरीब का भेदभाव किए बिना लोगों की भलाई के लिए काम किया। हर कोई उसके पास आ सकता था और खुलकर अपनी बातें साझा कर सकता था। उनके जीवंत व्यक्तित्व, ईश्वरीय चेतना और लोगों के विकास में गहरी रुचि ने
कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्हें आदिवासी होने का हमेशा गर्व था और आदिवासियों के हितों के लिए हमेशा मजबूती से खड़ा रहा। उन्होंने आदिवासियों के मुद्दों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में उठाया। चाहे हम इसे स्वीकार करें या ना करें, वे आदिवासी कलीसिया के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिन्होंने हमेशा आदिवासी कलीसिया को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। अपने नेतृत्व के माध्यम से वे सभी ईसाई समुदायों को एक समूह में लाए। इसके अलावा उन्होंने रांची में सदैव सद्भावना मंच को संरक्षण दिया और उसे प्रोत्साहित किया। उनके काम में मन की ताकत और ईमानदारी झलकती थी, जिसने उन्हें अधिक लोकप्रिय बना दिया और देश के भीतर और देश के बाहर भी कई लोगों का दिल जीत लिया। हमें उन्हें रांची के महाधर्माध्यक्ष के रूप में पाकर गर्व है। कार्डिनल टेलीस्फोर पी टोप्पो की उपलब्धियां धर्म प्रांतीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने काम किया है जो सराहनीय है। जैसे धर्म प्रांतीय स्तर पर उन्होंने सोशल डेवलपमेंट सेंटर रांची, लीवेंस वोकेशन सेंटर हुलहुंडू, लीवेंस अकादमी लोहरदगा, लीवेंस मेमोरियल हॉस्पिटल हीरा बारवे, डॉन बॉस्को यूथ सेंटर बरियातू, फादर कॉन्स्टेंट लीवेंस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मांडर, उसी के प्रयास से राजा उल्हातू के चर्च को माइनर बसिलिका का दर्जा मिला। ये सब उनकी दूरदर्शिता का फल है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई नए पारिश और मिशन स्टेशन की शुरुआत की। धर्म प्रांत में उन्होंने आधा से अधिक पुरोहितों को अभिषेक प्रदान किया। साथ ही 50 से अधिक धर्म संघियों के लिए धर्म प्रांत में स्थान दिया। क्षेत्रीय स्तर पर उन्होंने 3 नए धर्म प्रांतों का निर्माण किया, गुमला, सिमडेगा और खूंटी। उसने 24 धर्माध्यक्षों का अभिषेक किया। सभी धर्म प्रांतीय धर्माध्यक्षों को एक साथ लाना और उनकी अगुवाई करना, इन सब का श्रेय कार्डिनल को ही जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर वे 2 बार कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ इंडिया के उपाध्यक्ष रहे, 1998 से 2002 तक। CCBI के अध्यक्ष 2002 से 2005 तक, और वे 2 बार कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में 2004 से 2008 और 2011 से 2013 तक भारतीय कलीसिया की अगुवाई की। CBCI के संरक्षण में ज्ञानग्राम मेडिकल कॉलेज उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेंबर ऑफ वर्ल्ड असेंबलीज ऑफ द सिनोड ऑफ बिशप्स, मेंबर ऑफ द पोंटिफिकल काउंसिल फॉर इंटर रिलीजियस डायलॉग, मेंबर ऑफ द सेंट्रल कमिटी ऑफ द फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप्स कॉन्फ्रेंस, चेयरमैन ऑफ द ऑफिस ऑफ पीस एंड हार्मनी ऑफ द FABC, मेंबर ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ द वैटिकन बैंक। अंत में हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि रांची महाधर्म प्रांत की देखभाल करते हुए
महामहिम निश्चित रूप से एक प्यारे चरवाहे, सक्षम नेता और कुशल संगठनकर्ता साबित हुए। एक ऐसे तथ्य जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया। उन्होंने अपनी व्यापक दृष्टि, महान मिशनरी उत्साह और अद्वितीय दृढ़ता से कलीसिया का मार्गदर्शन किया। संक्षिप्त में कहा जाए तो महामहिम ईश्वर के भय रखने वाले व्यक्ति थे। सुसमाचार के मूल्यों पर आधारित जीवन जीते थे, जिम्मेदार और कर्तव्यप्रायण थे, हमेशा न्याय के लिए खड़े रहते थे। एक अच्छे नेता मृदुभाषी, दूरदर्शी, मिशनरी, सरल, विनम्र, दयालु, क्षमाशील और सौम्य स्वभाव के थे। यही कारण है कि लोग उसे इतना अधिक प्यार करते थे। 21 अक्टूबर 2003 को संत पिता जॉन पॉल द्वितीय ने महाधर्माध्यक्ष तेलेस्फोर पी टोप्पो को कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स में शामिल कर झारखंड की कलीसिया को गौरवान्वित किया। कैथोलिक कलीसिया के ऐसे सम्मानीय पद से नवाजे जाने वाले वे एशिया के प्रथम आदिवासी कार्डिनल बने। छोटा नागपुर की कलीसिया ऐसे हजारों कारणों से उन पर गर्व करती है। जनवरी 2004 में वे 2 साल के लिए CCBI के अध्यक्ष चुने गए। उनमें असाधारण अवलोकन करने, समझदारी से लोगों को राह दिखाने, धार्मिक जीवन जीने और धार्मिक विचार व्यक्त करने की असीम क्षमता थी। जरूरतमंदों की सेवा के लिए उसने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनकी दयालुता और उदारता के कारण उनका व्यक्तित्व लोगों के बीच चमकता रहा। उनके स्नेही आचरण ने अनेक मित्रों और प्रशंसकों को आकर्षित किया। छोटा नागपुर की कलीसिया के विकास को लेकर उनकी दूरदर्शिता काफी सराहनीय थी। कार्डिनल तेलेस्फोर विविध गुणों के धनी थे। कुछ तो उन्होंने जन्म से ही और अन्य गुणों को अनुशासन और अवलोकन से हासिल किया। वे व्यवहारिक और श्रेष्ठता की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति थे। सुव्यवस्था और नियमितता उनकी पहचान थी। उनकी ईमानदारी, नम्रता, सरल जीवन, उदारता, शांति प्रियता, साहस, सज्जनता तथा आत्मविश्वास उनके महान व्यक्तित्व को इंगित करते हैं। महामहिम का आध्यात्मिक जीवन सरल और उत्कृष्ट है। वे प्रार्थना एवं विश्वास जैसे गुणों के धनी थे। उनका पवित्र यूखरिस्ट के प्रति प्रेम, पवित्र हृदय की भक्ति तथा माता मरियम से स्नेहपूर्ण लगाव उसकी आध्यात्मिकता को दिखाता है। पवित्र संस्कार एवं प्रार्थनाएं उनके अनश्वर ऊर्जा और शक्ति के स्रोत थे। व्यस्तता और अस्वस्थ रहने के बावजूद रोजरी एवं कलीसिया के प्रार्थना के लिए समय निकालते थे। महामहिम कार्डिनल तेलेस्फोर टोप्पो की मृत्यु न सिर्फ छोटा नागपुर की कलीसिया के लिए बल्कि पूरे भारत की कलीसिया के लिए एक बड़ी क्षति है। बिशप थियोडोर मस्कारेनस के शब्दों में, हमने न सिर्फ कार्डिनल तेलेस्फोर को खोया है किंतु एक मित्र, मार्गदर्शक को खोया है जिसने सपने देखने का साहस किया। महामहिम कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो के निधन के साथ एक स्वर्णिम काल का अंत हो गया। यह शायद उनके सपनों को पूरा करने में हमारी सहभागिता एक नए स्वर्णिम काल की शुरुआत करेगी।
महामहिम कार्डिनल टेलेस्फोर पी टोप्पो को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। उनके असाधारण योगदान के लिए चिरकाल तक हम उनके आभारी एवं ऋणी रहेंगे। इसलिए आज हम कह सकते हैं कि उनकी महानता से प्रेम करते हैं। और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। उन्हें उनके कर्मों का इनाम दे। धन्यवाद। स्वागत संबोधन हेतु मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा रांची येसु संघ प्रोविंस के प्रोविंशियल श्रद्धेय फादर अजित खेस एस जे। यहाँ उपस्थित प्रिय भाइयों एवं बहनों, छोटा नागपुर की इस पावन धरती पर हम सभी अपने अति प्रिय कार्डिनल टेलेस्फोर पी टोप्पो की दिवंगत आत्मा के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने और विशेष रूप से उनके लिए प्रार्थना करने के लिए हजारों की संख्या में जमा हुए हैं। मैं अति माननीय महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो येसु समाजी, सहायक धर्माध्यक्ष अति माननीय थियोडोर मस्करेनस SFX और रांची महाधर्म प्रांत की स्थानीय कलीसिया के नाम पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह प्रभु की योजना और कृपा है कि इस अवसर पर भारत के विभिन्न कोने से हमारी कलीसिया के चरवाहे महाधर्माध्यक्ष, धर्माध्यक्ष संत पापा के प्रतिनिधि मोनसिनोर अल्बर्टो नापोलिटानो, अन्य ख्रिस्तीय समुदाय के धर्माध्यक्ष पास्टर्स, बहुत बड़ी संख्या में पुरोहित गण, धर्म बहने, धर्म बंधु और विश्वासी समुदाय जमा हुए हैं। इस धार्मिक अनुष्ठान में हमारे प्रिय कार्डिनल टेलेस्फोर के कई मित्र, शुभचिंतक और राज्य सरकार के कई प्रशासनिक अधिकारी, राज्य और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, विधायक, सांसद और सभी समुदाय, धर्म और जाति के लोग शामिल हो रहे हैं। मैं आप सबों का अति माननीय महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो येसु समाजी और सहायक बिशप थियोडोर मस्करेनस SFX की ओर से इस धार्मिक अनुष्ठान तत्पश्चात दफन क्रिया में शामिल होने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं अति मान्यवर महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो को इस धार्मिक अनुष्ठान में हमारी अगुवाई के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। हम सब खड़े हो जाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्रिय भाई और बहनों, हम स्वर्गीय महाधर्माध्यक्ष तेलेश्वर कार्डिनल पी टोप्पो के दफन के समारोह ही मिस्सा में भाग लेने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। दफन का यह मिस्सा हमारे लिए एक पवित्र और गंभीर क्षण है। हमारे प्रिय कार्डिनल को विदाई देते हुए हम ईश्वर से करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी आत्मा अनंत शांति प्राप्त करे। इसके साथ साथ हम ईश्वर के द्वारा उनको दिए गए सभी वरदानों के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस पवित्र समारोह में भाग लें। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया याचना के लिए हम गाना गा सकते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर
तूने अपने सेवक धर्माध्यक्ष टेलेस्फोर कार्डिनल पीटोपो को प्रेरितों की मंडली में गिने जाने और महापुरोहित होने का गौरव प्रदान किया और स्थानीय प्रजा का दायित्व सौंपा था। अब तूने उसे अपने पास बुला लिया है, ऐसी कृपा कर कि स्वर्ग लोक में भी उनको पुरोहितों की मंडली का सानिध्य प्राप्त हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1-9 तक। ईश्वर ने उन्हें होम बलि की तरह स्वीकार किया। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं, वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है। मनुष्यों को लगा कि धर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमरत्व की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने योग्य पाया है। ईश्वर ने घड़िया में सोने की तरह उन्हें परख लिया और होम बलि की तरह उन्हें स्वीकार किया। ईश्वर के आगमन के दिन वे ठूठी के खेत में धधकती चिंगारियों की तरह चमकेंगे। वे राष्ट्रों का शासन करेंगे, वे देशों पर राज्य करेंगे, किंतु प्रभु ही सदा सर्वदा उनका राजा बना रहेगा। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे। जो उसके प्रति ईमानदार हैं वे बड़े प्रेम से उसके पास रहेंगे, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु के सामने चलता रहूंगा, जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा, जीवितों के देश में
प्रभु के सामने चलता रहूंगा। प्रभु न्याय और दयालु है, हमारा ईश्वर करुणामय है। प्रभु दरिद्रों की रक्षा करता है, मैंने सहाय बन गया था और उसने मुझे बचा लिया। जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। जीवितों के देश में यद्यपि मैंने कहा मैं अत्यंत दुखी हूँ, तब भी मैंने भरोसा नहीं छोड़ दिया। मैंने संकट में पड़कर यह भी कहा था, कोई भी मनुष्य विश्वसनीय नहीं है। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा दास हूँ, तूने मेरे बंधन खोल दिए। दूसरा पाठ, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 14, पद संख्याएं 7-12 तक। हम चाहे जीते रहे या मर जाए, हम प्रभु के ही हैं। हम में से ना तो कोई अपने लिए ही जीता है और ना अपने लिए ही मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि मर जाते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहें या मर जाए, हम प्रभु के ही हैं। मसीह इसलिए मर गए और जी उठे कि वह मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाएं। हम सब ईश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि
धर्म ग्रंथ में लिखा है, प्रभु यह कहता है, अपनी अमरता की सौगंध, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर कंठ ईश्वर को स्वीकार करेगा। इससे स्पष्ट है कि हम में से हर एक को अपने अपने कर्मों का लेखा ईश्वर को देना पड़ेगा। प्रभु की वाणी। के साथ हो संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 11 पद संख्याएं 17 से 27। बिथानिया पहुंचने पर यीशु को यह पता चला कि लाजरुस 4 दिनों से कब्र में है। बिथानिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था, इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। ज्यों ही मार्था ने यह सुना कि यीशु आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता, और मैं जानती हूं कि आप कि अब भी आप ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, विश्वास करता हूं वह मरने पर भी जीवित रहेगा,
मैं जानती हूं कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। अति माननीय महाधर्माध्यक्षगण, धर्माध्यक्षगण, भारत में संत पापा के राजदूत के प्रतिनिधि अल्बर्टो नेपोलितानो, अन्य मसीही समुदायों के धर्माध्यक्षगण, प्रिय पुरोहित भाइयों, प्रिय धर्म बहनों और उपस्थित सभी माता पिता, भाई बहनों और अति मेरे प्रिय बच्चों, आज हम दुखित हृदय से स्वर्गीय आर्च बिशप टेलेस्फोर कार्डिनल पी टोप्पो के दफन के मिस्सा और दफन की विधि में भाग लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक ओर हम उनके वरदानपूर्ण जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, तो दूसरी ओर हम उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। दुख की ऐसी घड़ी में हमारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं और हृदय में नाना प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। हम जानते हैं कि संसार की प्रत्येक सृष्टि ईश्वर से आती है और ईश्वर में लौट जाती है, इसे कोई नहीं रोक सकता, या विधि का विधान है। हमारे प्रिय कार्डिनल इस संसार में आए और 4 अक्टूबर को इस संसार से विदा हो गए, यह ईश्वर की योजना और ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही है। आज भी हमारे साथ नहीं है, अतः हम आहत हैं, हम दुखित हैं। उनके साथ जो मानवीय आत्मीय संबंध था वह एक तरह से टूट गया, बिखर गया। मन दिल में उनके प्रति जो आदर सम्मान की प्रवृत्ति और भावना थी, उन्हें उनके समक्ष अब हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उनके प्रति जो नैसर्गिक आकर्षण था वह उनकी गहरी आध्यात्मिकता, उनकी सहज मिलनसारिता, उनके व्यक्तित्व की सरलता, उनकी नम्रता, उनकी मानवीयता, उनकी सेवा भावना, उनकी उदारता, उनके वैराग्य, उनकी मैत्री भावना आदि पर आधारित था। इन्हीं गुणों के कारण लोग उनकी ओर आकर्षित और प्रभावित होते थे। वे तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे, कार्य कुशलता और कार्य लगनता उनकी खूबी थी। अपने उत्तरदायित्व को वे निष्ठापूर्वक निभाते थे। वे दूरदर्शी थे और लोगों की आध्यात्मिक और लौकिक भलाई के लिए साहसिक कदम उठाते थे।
इन्हीं सब गुणों के कारण वे एक पुरोहित से धर्माध्यक्ष बनाए गए, धर्माध्यक्ष से महाधर्माध्यक्ष बनाए गए और फिर वे कार्डिनल के पद से विभूषित किए गए। प्रशासन के अधिकारियों ने हमारे दिवंगत कार्डिनल तेलस्फोर पी टोप्पो के ऊपर राष्ट्रीय झंडा पहनाकर उन्हें राजकीय सम्मान से विभूषित किया है। इसके लिए हम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। तो कार्डिनल टोप्पो एशिया के प्रथम आदिवासी कार्डिनल बने। एक कार्डिनल के रूप में उन्होंने विश्वव्यापी कलीसिया और भारत की कलीसिया की सेवा की। उन्होंने संपूर्ण कलीसिया की अगुवाई की। उनकी बहुविध उपलब्धियों के बारे में आपने सुना। उन्होंने सचमुच प्रभु का मार्ग तैयार किया। आज हम उनके दफन के मिस्सा और उनके पार्थिव शरीर को दफनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आज की धर्म विधि कार्डिनल के पार्थिव शरीर की इस धरती पर अंतिम यात्रा है। हम दुखित हैं, फिर भी प्रज्ञा ग्रंथ के वचन से हम सांत्वना पाते हैं, जिसे हमने पहले पाठ में सुना। प्रज्ञा ग्रंथ के तीसरे अध्याय में वचन कहता है, धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में हैं, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। आगे वचन कहता है, हमारे बीच से चले जाने के बाद धर्मियों का सर्वनाश नहीं होता, बल्कि उनको शांति का निवास मिलता है। आगे वचन कहता है, वे अमरत्व की आशा करते थे, थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। प्रज्ञा ग्रंथ और भी बहुत अच्छे वचन कहता है, कार्डिनल टोप्पो धर्मी व्यक्ति थे, वे अमरत्व अर्थात अनंत जीवन पर आस्था रखते थे और उसकी आशा करते थे। कई महीनों की बीमारी के कारण उन्हें कष्ट सहने पड़े। अब उन्हें शांति का निवास मिला है, अब उन्हें महान पुरस्कार मिला है। मेरी समझ में कार्डिनल की बीमारी और लाचारी, उसकी पीड़ा और वेदना ईश्वर के वरदान थे। वास्तव में वे महान वरदान थे। सांसारिक और दुनियाई दृष्टि में उनकी बीमारी को दुर्भाग्यपूर्ण माना जाएगा, लेकिन याद कीजिए, हमारे प्रभु ने कहा है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह रोज अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। कार्डिनल के लिए बीमारी एक बड़ा क्रूस था जिसे उसने ढोया और प्रभु के साथ दुख भोगा। कार्डिनल ने प्रभु के दुख भोग और प्रभु के क्रूस के बलिदान में भाग लिया और प्रभु का सहयोगी बनकर प्रभु के मुक्ति कार्य में भाग लिया। इस तरह ईश्वर ने कार्डिनल को आध्यात्मिक वरदान दिया। दूसरी बात है कि कार्डिनल की बीमारी से उसे जो पुण्य फल प्राप्त हुए उससे उसके सारे पापों की क्षमा मिल गई। वे पूर्ण रूप से शुद्ध और परिशुद्ध हो गए। मरने के बाद उन्हें शतक अग्नि में ठहरने रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा विश्वास है कि उनकी आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध रही और वे सीधे स्वर्ग सिधारे। आज के दूसरे पाठ में हमने रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से वचन को सुना।
वचन कहता है, हम में से कोई ना तो अपने लिए जीता है और ना अपने लिए मरता है। यदि हम जीते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और अगर हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के हैं। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कार्डिनल ने अपने लिए नहीं वरन प्रभु की महिमा के लिए और ईश्वरी संतान की सेवा के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया। उसका जीवन और मरण प्रभु में समर्पित था। उनमें धन संपत्ति, मान मर्यादा, शक्ति सत्ता आदि की कोई लालसा नहीं थी। उनका एकमात्र लक्ष्य था प्रभु की महिमा के लिए जीना और प्रभु के लिए मरना। संत पौलुस के शब्दों में वे आंतरिक रूप से दोहराते थे, मैं चाहता हूँ कि मसीह को जान सकूँ, जान लूँ, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूँ और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुखभोग का सहभागी बन जाऊँ, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुँच सकूँ। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र 3:10-11। आज के सुसमाचार में हमने प्रभु यीशु के वचन को सुना। वे बेथानिया गांव में लाजरस की बहन मर्था से कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। हमारे प्रभु कहना चाह रहे हैं कि वे ही जीवन हैं, वे ही आत्मा के जीवन हैं। इस धरती पर शरीर का जीवन और मरने के बाद भी उन्हीं प्रभु का जीवन मनुष्य की आत्मा में रहता है। जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता और उसकी शिक्षा के अनुसार जीवन यापन करता है, तो यद्यपि वह शारीरिक रूप से मर जाता है, तथापि वह आत्मिक रूप से जीवित रहता है अनंत काल तक। जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास नहीं करता और प्रभु के प्रेम की शिक्षा के अनुसार नहीं चलता, वह आत्मिक रूप से मर जाता है, ईश्वर से उसका संबंध कट जाता है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कार्डिनल ने प्रभु यीशु पर जो पुनरुत्थान और जीवन है पूरा विश्वास किया और उसकी शिक्षा को अपने जीवन में निष्ठापूर्वक अमल किया। अतः शारीरिक रूप से मरकर भी वे जीवित हैं। उनकी आत्मा ने पुनरुत्थान प्राप्त किया और अब कभी नहीं मरेगी, वह सदा जीवित रहेगी। अपने जीवन काल में कार्डिनल माता मरियम की भक्ति करते रहते थे। उन्होंने उसे अपनी प्यारी माता के रूप में आदर सम्मान किया। वे अपने को माता मरियम के प्रिय पुत्र के रूप में मानते थे। इसके साथ ही वे कलीसिया के प्रति, पवित्र यूकरिस्ट के प्रति और कलीसिया की दैनिक प्रार्थनाओं के प्रति विश्वस्त और निष्ठावान थे। इसके साथ ही वे कोलकाता की संत मदर तेरेसा के परम भक्त थे। वे मदर तेरेसा से कई बार मिल चुके थे और उनकी चर्चा अक्सर किया करते थे। उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा था कि मरने के बाद उसे कैथेड्रल में संत मदर तेरेसा की मूर्ति के सामने दफनाया जाए। अतः उसकी इच्छा को पूरी करते हुए उसके पार्थिव शरीर को मदर तेरेसा की मूर्ति के नीचे ही दफनाया जाएगा। प्रिय भाई और बहनों, हम कार्डिनल के धार्मिक, पौरोहितिक और धर्माधिक्षीय जीवन और उसके सभी प्रेरितिक और परोपकारिक कार्यकलापों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उनके माध्यम से ईश्वर ने असंख्य लोगों को आशीर्वाद दिया है। इसके लिए भी हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अनंत जीवन और अनंत शांति।
प्रदान करे। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, हम धार्मिक अनुष्ठान की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने ईश्वर के वचन को सुना। हम धन्यवाद देना चाहेंगे झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और पूरी कैबिनेट और पूरी सरकार को कि उन्होंने हमारे महामहिम कार्डिनल टेलीस्पोर को राजकीय सम्मान दिया है। धार्मिक प्रतिष्ठान आगे बढ़ते रहेंगे। अभी राजकीय सम्मान के रूप में मैं अनुरोध करूंगा कि वे गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत करें। इसके पश्चात हम अपने जो धार्मिक प्रक्रिया है मिसा के आगे भाग, उससे हम जारी रखेंगे। अगले 35-40 मिनट में लगभग मिसा समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात वैलिडिक्ट्री फंक्शन होंगे। तब मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रशासन के अधिकारियों से कि वे उन्हें राजकीय सम्मान दें। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सांसद श्रीमती महुआ मांझी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सांसद धन्यवाद। अभी हम मिसा के अगली कड़ी में आगे बढ़ेंगे, चढ़ावा का गीत गाएंगे।
सब बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस भाग में हम लोग सम्मिलित होंगे। जो जो सम्मान देना चाहते हैं, श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, कुछ ही समय आपके लिए दिया जाता है। आप श्रद्धांजलि के इस भाग को जल्दी से जल्दी समाप्त करें। इसी के साथ में श्रद्धांजलि के ये भाग समाप्त होते हैं, इसलिए पुनः हम लोग धार्मिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है प्रशासन की ओर से।
पुनः हम पूरी कलीसिया के नाम पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, आपकी पूरी कैबिनेट और पूरी झारखंड सरकार, आप सबों को हम तहे दिल से धन्यवाद देने चाहेंगे। आपका हमारे महामहिम कार्डिनल तेलिस्फोर पी टोपो को राजकीय सम्मान देना ईश्वर की महत्तर महिमा के समान है। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी, सभी विधायक, सांसद और सभी शुभचिंतक जो यहाँ पर आए हुए हैं, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम मिस्सा में आगे बढ़ते हैं। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। वो अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के नाम के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हम तेरे सेवक महाधर्माध्यक्ष तेलेश्वर कार्डिनल पीटोपो के लिए या बलिदान चढ़ा रहे हैं, कृपा करके इसे ग्रहण कर। इस लोक में तूने उन्हें महापुरोहित बनने की कृपा दी थी, अब उन्हें संतों की मंडली में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने स्वयं मरना स्वीकार किया ताकि हम सब मृत्यु से बच सकें। इन्होंने अकेले मरना स्वीकार किया ताकि हम सब तेरे सम्मुख सदा सर्वदा जीवित रहें। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में
हम तेरा स्तुति गान करते हैं। प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तेन फारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु येसु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाए जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों देते हुए। यह विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जिए, क्रिस्त महिमा के साथ पिया आएंगे। इसलिए है प्रभु, हम ख्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में
तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्स और थियोडोर और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक स्वर्गीय कार्डिनल थेसफोर पीटोपो की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का सौभाग्य भी प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक गाते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर
हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु येसु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर प्रेम भाव रखिए। प्रभु येसु क्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं, या हमारे विचार दंड के कारण ना बने, बल्कि तेरे ध्यान से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु किस बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु क्या आप मेरे घर आओगे, प्रभु येसु क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे, आमीन। अभी परम प्रसाद का वितरण का समय है। ये परम प्रसाद उन्हीं के लिए दिया जाता है जो ख्रिस्तीय विश्वास के अनुसार से उन्हें शिक्षा दीक्षा दी गई हो। जो अन्य भाई बहन हैं, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद कहते हैं। इस परम प्रसाद को ग्रहण करने आगे मत आइए, बल्कि अपने ही जगह से आप प्रार्थना करिएगा। सभी पुरोहितों से गुजारिश रहेंगी कि परम प्रसाद वितरण में आप सहयोग करेंगे। विश्वासी भाई बहन अपने ही जगह में रहिएगा, पुरोहित गण स्वयं सेवक के साथ में आपके यहाँ तक आएंगे परम प्रसाद वितरण के लिए।
Thank you.
अंतिम प्रार्थना के लिए हम खड़े हो जाएंगे। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अपने सेवक महाधर्माध्यक्ष टेलीस्पोर कार्डिनल पी टोपो को, जो इस संसार से विदा हो चुके हैं, इस बलिदान द्वारा पवित्र कर दे, ताकि ये पाप से मुक्त होकर पुनरुत्थान का आनंद प्राप्त करें। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रिय भाइयों एवं बहनों, पवित्र मिसा की समाप्ति करीब करीब हो चुकी है। अब हम आगे की कड़ी में बढ़ेंगे, सब कोई बैठ जाएंगे। अभी सहानुभूति अथवा संवेदना संदेश और श्रद्धांजलि के भाग में हम प्रवेश करते हैं। सहानुभूति संदेश प्रतिनिधित्व के तौर पे कुछ व्यक्तियों को दिया गया है, वे तैयार रहेंगे। इसके पश्चात श्रद्धांजलि देने के लिए भी कुछ एक नामों का जिक्र किया गया है, उन्हें रखा है, वे भी तैयार रहेंगे। सर्वप्रथम मैं सहानुभूति संदेश की कड़ी में बुलाना चाहूंगा महामहिम के परिवार, महामहिम कार्डिनल के परिवार की ओर से उनकी ग्रैंड डॉटर सिस्टर अनु पूनम टोपो डीएसए को। सिस्टर अनु, मृत्यु जीवन का विनाश नहीं, जीवन का विकास है। दिवंगत महामहिम टेलीस्पोर पी कार्डिनल टोपो हमारे दादाजी के जीवन के अंतिम यात्रा में उपस्थित अति मान्यवर बिशप फेलिक्स टोपो, यीशु संघी महाधर्माध्यक्ष रांची महाधर्म प्रांत, संत पिता पापा के प्रतिनिधि मोनसेनियोर अल्बर्टो, उपस्थित सभी आर्च बिशप, बिशपगण, पुरोहितगण, धर्म बहने, धर्म बंधु एवं विश्वासीगण, हम टोप्पो परिवार की ओर से दिवंगत महामहिम हमारे दादाजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते और कृतज्ञता प्रकट करते हैं। सर्वप्रथम हम परमपिता ईश्वर को महान व्यक्तित्व के धनी हमारे दादाजी के संपूर्ण जीवन और कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने उन्हें एक साधारण छोटे आदिवासी ख्रिस्तीय परिवार से चुनकर अपना सेवक बनाया तथा इस सेवक फादर कॉन्स्टेंट लीवंस द्वारा प्रज्वलित छोटानागपुर में
ख्रीस्तीय विश्वास की मसाल को और अधिक प्रज्वलित करने का अवसर दिया। उसने ना सिर्फ छोटानागपुर में किंतु देश विदेश में विश्वास, प्रेम, सेवा की ज्योति को रोशन किया। छोटानागपुर कलिसिया को अपने भले कार्यों और जीवन द्वारा गौरवान्वित किया और एक आदिवासी कार्डिनल की उपाधि से कलिसिया और आदिवासी समाज की पहचान दी है। आज ईश्वर ने उन्हें होम बलि की तरह स्वीकार किया है। हमारा विश्वास है कि वे आज स्वर्ग में अपने दूतों और संतों और हमारे पूर्वजों से मिलकर हमारे लिए और संपूर्ण कलिसिया के लिए ईश्वरीय आशीष और कृपा के मध्यस्थ बने हैं। हम दादाजी के अंतिम यात्रा के ख्रिस्त्याग में सहभागी होने वाले सभी धर्मबंधुओं, धर्म बहनों, विश्वासीगण तथा गण्यमान्य सबों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आप सभी ने दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना की है। एक पूरा सप्ताह कार्डिनल स्वामी जी ने उत्तर बंगाल के बागडोगरा, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग धर्म प्रांतों में विश्वासियों के स्वागत एवं प्रेरितिक भेंट में बिताया था। मैं उन दिनों बागडोगरा धर्म प्रांत का धर्माध्यक्ष था। उस भेंट के अंत में उन्होंने मुझसे कहा, बिशप थॉमस, आपने और आपके सभी लोगों ने उनके प्यार तथा स्वागत से मुझे 7 स्वर्ग तक पहुंचा दिया है। वे बहुत खुश हुए थे। लोगों से मिलना, ऊंचे पद पर रहते हुए भी अपने साधारण देहाती जीवन जड़ों को न भूलना, यह उनकी विशेषता थी, भला गड़ेरिया बनकर। अब वे सचमुच 7 स्वर्ग में प्रवेश कर चुके हैं। ईश्वर उन्हें आनंद जीवन तथा सुख प्रदान करें। कलकत्ता का भी उनका अच्छा अनुभव रहा है। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था, जब मैं दुमका धर्म प्रांत का नया धर्माध्यक्ष बना, तब कलकत्ता आर्च बिशप्स हाउस जाना था। मुझे डर लग रहा था। महामहिम कार्डिनल लॉरेंस पिकाची SJ कलकत्ता के आर्च बिशप थे। क्या मुझे वे स्वीकार करेंगे? मैं पहली बार जा रहा था। मैं एक साधारण ट्राइबल हूं, लेकिन जिस प्रकार से कलकत्ता के आर्च बिशप कार्डिनल पिकाची से अन्य फादरों से वहां पर प्यार और सम्मान के साथ मेरा स्वागत हुआ, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। रांची धर्म प्रांत कलकत्ता धर्म प्रांत का हिस्सा था 1927 साल तक, इसलिए कलकत्ता महाधर्म प्रांत कलकत्ते के आर्च बिशप और मेरे प्रति भी उनका बहुत प्यार रहा है। इसके लिए मैं कलकत्ता धर्म प्रांत के नाम में सारे पश्चिम बंगाल, सिक्किम रीजन या क्षेत्र के सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म भाई बहनों के एवं लोक धर्मियों के नाम में महामहिम कार्डिनल स्वामी जी आपको धन्यवाद देता हूँ और प्यार एवं श्रद्धा भरे हृदय से अलविदा कहता हूँ। आप झारखंड के सुपुत्र, छोट नागपुर के सुपुत्र तथा सारी कैथोलिक कलीसिया, विशेषकर भारत की कलीसिया के सुपुत्र एवं नेता रहे हैं। आज कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथोलिक बिशप्स ऑफ इंडिया CCBI इनके अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी नहीं हैं यहाँ पर, वे रोम में हैं, इसलिए उन्होंने कहा हमारे कॉन्फ्रेंस के सभी बिशपों के नाम में हमारे प्रिय महामहिम कार्डिनल को धन्यवाद देना और हमारी कृतज्ञता वहाँ पर प्रकट करना, इसीलिए कार्डिनल फिलिप नेरी के नाम में और CCBI के नाम में मैं
हमारे अति प्रिय महामहिम कार्डिनल टेलिस्पो टोपो को धन्यवाद देता हूँ जो नेतृत्व एवं सेवा आपने दी और आपने अपने नम्र और खुश स्वभाव से प्रार्थनामय जीवन से तथा प्रेरितिक सेवा से आपने हम सबों के लिए एक आदर्श दिया, यह हम सदा याद रहेंगे और आपके जीवन में ईश्वर की योजना और आपके समर्पण की कहानी को हम जारी रखेंगे। सभी बिशपों की ओर से हमारे महामहिम कार्डिनल स्वामी जी आपको धन्यवाद। महामहिम कार्डिनल स्वामी जी आपको पुनः यही प्रेम और कृतज्ञता की श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। संत पौलुस के साथ आप भी कह सकते हैं, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे प्रदान करेंगे। 2 तिमोथी 4:7-8 वही मुकुट आपको प्राप्त हो, आप अनंत जीवन में प्रवेश करें। स्वामी जी अलविदा। महाधर्माध्यक्ष थॉमस डिसूजा, आपको आपके संवेदना संदेश के लिए बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूँगा श्री पुनीत पोदार जी को, जो रिप्रेजेंट करेंगे सिविल सोसाइटी और सभी धर्मों के नाम पर। श्री पुनीत, अब मैं बुलाना चाहूँगा माताओं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए मिसेस शिल्पी नेहा तिर्की को। आज हमारे समाज के लिए बहुत ही दुख भरा दिन है। इस दुख के घड़ी में मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी को हिम्मत देवे, आमीन। आज कुछ ही महत्वपूर्ण लोगों के नाम से झारखंड की पहचान अंतर्राष्ट्रीय जगत में बनी और उनमें कार्डिनल टेलिस्फोर पी टोप्पो का महत्वपूर्ण स्थान है। गुमला जिले का एक सुदूरवर्ती गांव में उराव जनजाति परिवार में जन्म लेने वाले कार्डिनल टेलिस्फोर पी टोप्पो के स्वभाव में उराव जनजाति के सादगी, सरलता, विनम्रता जैसे सभी गुण थे। कार्डिनल टेलिस्फोर पी टोप्पो का नाम केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वह जनजाति समुदाय के बीच से उभर कर आने वाले एशिया के पहले आदिवासी कार्डिनल थे। कार्डिनल टेलिस्फोर पी टोप्पो ने 1984 में रांची का आर्च बिशप नियुक्त होने के बाद कार्डिनल के पद को सुशोभित किया और सभी जाति, धर्म, समुदाय आदि के लोगों को अपने साथ समाहित करते हुए उनकी भावनाओं का सम्मान किया। इसके कारण उन्होंने झारखंड में वैसा वातावरण का निर्माण किया जिसके कारण झारखंड की सामाजिक समरसता की पहचान देश में स्थापित हुई। कार्डिनल टेलिस्फोर पी टोप्पो के हृदय में झारखंड और यहाँ के जनजाति समुदाय के अलावे सभी जाति, धर्म और समुदाय के लोगों का दुख दर्द गहराई तक बसा था। वे जल, जंगल, जमीन और अपने लोगों के साथ दिल से जुड़े थे। कार्डिनल टेलिस्फोर पी टोप्पो के विशेष प्रयासों का ही परिणाम था कि 1986 में जब महामहिम
पोप जॉन पॉल के भारत भ्रमण का कार्यक्रम बना तो उसमें रांची वैसे कुछ एक महत्वपूर्ण शहरों में से एक था जहां महामहिम पोप जॉन पॉल की सभा हुई और वह दिन झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन था। कार्डिनल तलस्फर पी टोपोल लगातार समाज को सशक्त करने के लिए चाहते थे कि महिलाएं समाज और कलिसिया में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दे। वे महिलाओं के उत्थान के प्रति काफी गंभीर रहे। उनका विचार था कि महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से इस योग बनाया जाए कि वे अपने परिवार के साथ समाज, राज्य एवं देश के विकास में कदम मिलाकर चल सके। महिलाओं को समाज में उचित अधिकार मिले जिससे वह अपने निर्णय के लिए किसी अन्य पर निर्भर ना हो। कार्डिनल तलस्फर पी टोपो की यह मान्यता थी कि महिलाओं के उत्थान से न केवल कलिसिया आगे बढ़ेगा बल्कि महिलाओं और बालिकाओं को भी एक अद्भुत संबल मिलेगा। कार्डिनल तलस्फर पी टोपो हमेशा कैथोलिक महिला संघ के साथ चर्चा और विचार विमर्श करते थे। वह उनको लगातार परामर्श और अपने इनोवेटिव आइडियाज देते थे। वे इस बात को समझते थे कि महिलाओं में मल्टीटास्किंग और संवेदनशीलता की गुण भरी हुई है। वह केवल अपने घर के अंदर सीमित ना रहे बल्कि वे समाज के भी नव निर्माण में काम अपना साथ दे। उनमें नेतृत्व की भी क्षमता है, इसीलिए वे हमेशा महिलाओं को प्रोत्साहित करते थे और आज भी वे अगर हमारे बीच होते तो वो चाहते कि महिलाएं बढ़ चढ़कर भागीदारी दे, ना केवल कलिसिया को मजबूत बनाने के लिए बल्कि पूरे समाज को मजबूत बनाने के लिए। आज इस मन से मैं उन्हें अपने पिता समान याद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि वे एक चरवाहे के रूप में हमारे ऊपर सदा आशीष बनाए रखेंगे। धन्यवाद। श्रीमती नेहा सिलपित्र की आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके संवेदना संदेश के लिए। आपने महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। वर्तमान में आप मांडर के विधायक हैं। श्रद्धांजलि की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी अलग अलग प्रतिनिधि आएंगे जिनका नाम लिया जाएगा। आप सामने आएंगे और ये अच्छी बात है कि उनमें से बहुतों ने श्रद्धांजलि दे दी है। आप आकर के रीत को महामहिम के लिए चढ़ाएंगे। रिलीजियस कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करते हुए सिस्टर लिली ग्रेस टोपनो मदर जनरल को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आकर के रीत अर्पित करें। उसके पश्चात मुस्लिम समुदाय से मोहम्मद नौशाद जी आएंगे तीसरे नंबर पे। सिख समुदाय से सरदार कुलदीप सिंह, सिख समुदाय के वे चेयरमैन हैं, आगे आए। हिंदू समुदाय से श्री संजय बासु मल्लिक आगे आएंगे। रामकृष्ण मिशन से कोई प्रतिनिधि हैं तो आगे आएंगे। ब्रह्म कुमारी समुदाय से अगर अभी भी उपस्थित हैं तो आगे आएं। उन्होंने श्रद्धांजलि वैसे दे दिया है। हेल्थ केयर कम्युनिटी से डॉक्टर देवुका आगे आएं और श्रद्धांजलि अर्पित करें। सीआरआई कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजियस इंडिया TOR के प्रोविंशियल श्रद्धेय फादर मनोज आए। पुरोहितों के समुदाय से श्रद्धेय फादर मैक्सिमस टोपो आगे बढ़ेंगे।
क्रूसवीर तथा नन्हे बच्चों का प्रतिनिधित्व करते हुए कुंवारी सुनैना कुल्लू आगे आए। कैथोलिक सभा से श्री पेत्रुस एक्का जी आगे आए। कैथोलिक महिला संघ का प्रतिनिधित्व करते हुए श्रीमती मार्था टोप्पो आगे बढ़ेंगी। तथा युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री कुलदीप तिर्की जी। कोई और प्रतिनिधित्व करने वाले हैं तो श्रद्धांजलि देने के लिए आगे बढ़ें। सीबीसीआई की ओर से अभी इसी के साथ में इस कड़ी में विराम देना चाहूंगा और धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आग्रह करना चाहूंगा माननीय अजय तिर्की जी सरनाथ समुदाय से आगे आए। इसी के साथ में मैं बिशप थियोडोर मस्करनस SFX हमारे रांची महाधर्म प्रांत के सहायक और बिशप धन्यवाद के दो शब्द कहने के लिए माइक पर आमंत्रित करता हूँ। भगवान जो करता है ठीक ही करता है। जब मैं आप लोगों के सामने रांची महाधर्म प्रांत और हमारे आज बिशप फेलिक्स टोप्पो के नाम पर धन्यवाद कहने के लिए खड़ा हूँ तो कार्डिनल के यही शब्द मेरे दिल में गूंजते रहते हैं। आज बोलना मुश्किल है फिर भी धन्यवाद देना अनिवार्य है। अतिमान्य श्री हेमंत सोरेन जी, अतिमान्य आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो जी, सभी उपस्थित हमारे आर्च बिशप और बिशप, सम्मानित अतिथिगण, पुरोहितगण, धर्महने, धर्म समाजियों एवं भाइयों और बहनों, यह दुख की घड़ी है फिर भी प्रभु को धन्यवाद देने की घड़ी है। हम प्रभु को उसके महान वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमें हमारे प्रिय कार्डिनल द्वारा प्राप्त हुए। हम ईश्वर को हमें इतना महान कार्डिनल देने के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे मार्गदर्शक और मित्र रहे, जिसने हमारे लोगों को एक अच्छा जीवन जीने की पूर्ति के लिए सपने देखने की साहस की, लोगों का प्रेम किया और प्रेम से उनकी सेवा की, अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित किया। एक गरीब और साधारण परिवार से आने वाले एक बच्चे पर ईश्वर की कृपा और कलीसिया के योगदान से और अपने अच्छे गुणों का उपयोग करते हुए
इतना विकसित करते हुए उसने इतनी असाधारण ऊंचाई तक पहुंच गए। उसने हमारे आदिवासियों को, झारखंड को और भारत को, सबों को गर्व लाया, नाम रोशन कर दिया। हमारी आदिवासी प्रजा को एक नया ऊंचा गरिमा प्राप्त कर दी। हमारे बच्चों को और युवकों को एक ज्योति बन गया। हीरा बारवे से आते हुए झारखंड के लिए, भारत के लिए, दुनिया के लिए खुद हीरा बना। हम तीन पापों की विशेष करके, संत पापों की विशेष करके धन्यवाद कहते हैं। जॉन पॉल, संत पापा जिसने उसको कार्डिनल बनाया, संत बेनेडिक्ट जो उसको सदा सम्मान से देखता था और वेटिकन के विभिन्न विभागों का सदस्य बनाया, और संत पापा फ्रांसिस जो उसके बड़े प्यार से लेते थे, स्वागत करते थे और आज एक बड़ा अच्छा संदेश भी भेजा। हम हमारे अपॉस्टलिक नुंसियो आज बिशप लेपोल्ड जिरेली और उनके सभी पूर्व अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। विशेष करके हमें याद है हमारा नुंसियो आज बिशप लेपोल्ड जिरेली एक मीटिंग के लिए यहाँ एक दिन के लिए आया था। उसका प्रोग्राम बहुत टाइट था, हमारे फादरों से उसकी मीटिंग थी, बीच में ही मुझसे कहा पता नहीं वो मुझे दूसरे बार मिलेगा या नहीं, मैं उलातू जाना चाहता है। रात को, रात के 8 बजे उलातू गया, वापस आके फादरों के साथ 12 बजे तक दोबारा मीटिंग कर दिया, इतना प्यार दिखाया। आज हमारा नुंसियो का प्रतिनिधि मॉन्सिनर अल्बर्टो नापोलितानो हमारे बीच में है, उसको भी धन्यवाद देते हैं। विशेष करके उसके परिवार की मैं याद करता हूँ और जिक्र करता हूँ। एक बहुत ही विशेष परिवार जिसके माता पिता ने कार्डिनल के दिल में विश्वास बोया, वही विश्वास लेके पुरोहित, बिशप, आज बिशप, कार्डिनल बन गया। सभी परिवारों के लिए एक उदाहरण, जो विश्वास बोते हैं उसका फल भी मिलता है। हम हमारे प्रिय आर्च बिशप फेलिक्स तोप्पो, हमारे धर्म प्रांत के सभी पुरोहितों, सभी धर्म समाजों को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वे हमारे परम प्रिय कार्डिनल को प्यार और सम्मान देते थे और देते हैं। हम सभी सिविल अधिकारियों को के आभारी हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जिसने आज सुबह संत मारिया गिरजाघर में हमारे कार्डिनल को श्रद्धांजलि दी, बहुत अच्छे शब्द भी बोले। श्री सीबू सोरेन जी जो कार्डिनल का एक विशेष दोस्त है, उसकी भी याद करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी जो उपस्थित है, अभी भी उपस्थित थे। मैं झारखंड और राष्ट्रीय स्तर के सभी राजनेताओं को धन्यवाद कर देता हूँ जो हमारे कार्डिनल को अति प्रेम और सम्मान दिखाते रहे हैं।
उन्होंने बहुत जन ने आज ही कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी की भी मैसेज आई है, बहुत नेताओं ने वीडियो पर भी मैसेज लगाई है, हमें भी मैसेज भेजे हैं, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस दिन को विशेष बनाने के लिए सफल आयोजना, सुव्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम पूरी सहयोगी प्रशासन, हमारे डीसी, हमारे एसएसपी, पुलिस फोर्स, हमारी कैबिनेट सेक्रेटरी, सबों को धन्यवाद देते हैं कि हमें इतनी मदद कर दी ये आज की आयोजन करने के लिए। हमारे प्रिय कार्डिनल के दफन को राजकीय दफन घोषित करने को से हम अपने आप को और आदिवासी समाज सम्मानित महसूस करते हैं। इससे हमें पता होता है कि सरकार और सभी राजनीतिक पार्टी मानते हैं कि कार्डिनल का योगदान इस राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए मैं श्री बंधु तिर्की जी और फादर अजीत केस, जिन्होंने ये प्रक्रिया चीफ मिनिस्टर के पास लेके आगे बढ़ाई, उनको आभारी हूँ। सभी पुरोहितों को, धर्म बहनों को, धर्म समाजियों को, कैथलिक सभा, महिला संघ, युवक संघ, स्वयंसेवक की सराहना करता हूँ, जिन्होंने अपने अपने योगदान इन दिनों में देते रहे हैं। कार्डिनल के पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ मांडर से रांची एक भव्य जुलूस के साथ लाने, धर्मवेदी की तैयारी, वहाँ गिरजाकर में व्यवस्था, सुंदर गीत गान के लिए संत आल्बर्ट कॉलेज के सेमिनेरियन और कैथेड्रल के पल्ली पुरोहित फादर डेविड और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ। फादर अजय कलको को भी और फादर प्रफुल्ल बाड़ा और फादर तोबियस तोप्पो, जिन्होंने हमारे सेमिनेरियंस के साथ ये सब धर्मविधि का आयोजन किया। कार्डिनल को एक अच्छी धर्मविधि की सदा इच्छा होती थी कि सभी पुरोहित कैसक पहने अच्छी तरह से यह धर्मविधि चलाए, यह आज आप लोगों ने किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिशप फेलिक्स तोप्पो मेरे तथा रांची माधर्म प्रांत के सभी पुरोहितों की ओर से प्रशासन सराहना के ओर धन्यवाद के दो शब्द, पुलातू के सभी विश्वासी, सभी उलातू हॉस्पिटल में, संतना के उलातू हॉस्पिटल में और मांडर के कॉन्स्टेंट लिवन हॉस्पिटल में सभी डॉक्टरों को, नर्सेस को, डायरेक्टर्स है उनको, फादरों को, सिस्टरों को हम विशेष करके धन्यवाद बोलते हैं। हमारा कार्डिनल का ख्याल किया, उसको अखरी तक एक अच्छा व्यवहार दिखाते हुए स्वर्ग राज तक पहुंचने का काम किया। मैं सभी पत्रकारों को, जो सदा कार्डिनल के दोस्त रहे, हमारे भी दोस्त बने रहे हैं, जो कवरेज कार्डिनल के समाचार को दिया है, हमारे खुद के आज बिशप हाउस के मीडिया टीम को, आशित तोपो और उसके टीम को, आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कार्डिनल का कार्य सब पूरा दुनिया को आप लोगों ने पहचान कर दिया। सभी जो हमारे कार्डिनल के प्यार करते थे विदेश में, यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल्स, नर्सेस और गरीब तक, आम आदमी तक, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इंग्लैंड में बोलते हैं, द क्वीन इज डेड, लॉन्ग लिव द क्वीन, वैसा मैं भी बोलता हूँ, द कार्डिनल इज डेड, लॉन्ग लिव द कार्डिनल। कार्डिनल मर चुके हैं लेकिन कार्डिनल अमर रहे। सबों को धन्यवाद।
मिस्सा के अंतिम प्रार्थना के साथ में आज का तीसरा भाग समाप्त होगा। तत्पश्चात दफन विधि की प्रार्थना यहीं पर प्रारंभ होगी। यहाँ की प्रार्थना समाप्त होने के पश्चात में जुलूस में पार्थिव शरीर को संत मरिया महागिरिजा घर में दफन के लिए सम्मान लिया जाएगा। इस कड़ी में सबसे पहले क्रूसधारी सेवक, मोमबत्तीधारी सेवक, महामहिम तेलेस्फोर पीठ तोप्पो के पार्थिव शरीर, बिशपगण, पुरोहितगण, गायक मंडली, धर्म बंधुगण, धर्म बहने, सभी गणमान्य नागरिक, प्रतिनिधिगण और विश्वासी भाई बहन जुलूस में यात्रा करेंगे और उनका दफन की धर्म विधि महागिरजा घर में संपन्न होगी। अभी आप सभी खड़े हो जाएंगे अंतिम प्रार्थना के लिए। On behalf of the Apostolic Nuncio, who is presently out of the country, I wish to present to you a message of the Apostolic Nunciature. We were saddened at the news death of His Eminence Cardinal Telesfor Toppo, Archbishop Emeritus of Ranchi, former President of the Catholic Bishops' Conference of India, and former President of the Conference of Catholic Bishops of India. Cardinal Toppo had a notable impact on the lives of many people through his many years of dedicated ministry. The various positions of leadership that he held in the Church allowed him the opportunity to serve the people of God with pastoral zeal, kindness, and devoted service. He will be remembered for his life of faith, his fervor for the proclamation of the Word of God, and his spirit of solidarity with the people entrusted to his care. He lived out his episcopal motto, Parare viam Domini, prepare the way of the Lord, preparing countless people to follow the pathways of the Lord towards greater union with God. On this occasion, the Apostolic Nuncio and the Apostolic Nunciature express their heartfelt condolences to all members of the Catholic Bishops' Conference of India, and in particular way to Most Reverend Felix Toppo, Archbishop of Ranchi, Right Reverend Theodore Mascarenhas, Auxiliary Bishop of Ranchi, the priest, religious, and lay faithful of the Archdiocese of Ranchi, and most especially the family members of Cardinal Toppo who have gathered here. We join you in expressing profound gratitude for the late Cardinal's devoted service to the Lord and His Church, and for his particular care and compassion for the poor and needy. May God, our merciful Father, welcome the soul of Cardinal Toppo into the joy and peace of His eternal kingdom. To all those assembled for this holy mass of Christian burial, and who mourn the death of Cardinal Toppo in the certain hope of the resurrection, I would like to convey the Nuncio's prayers, extending the blessing of the Holy Father, Pope Francis, as a pledge of consolation and hope in the Lord.
प्रिय भाई और बहनों, मृत व्यक्तियों को दफनाना अपना कर्तव्य समझकर हम अपने भाई, अपने पिता कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो की लाश लाए हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है, जो शरीर आज क्षीण दशा में दफनाया जाएगा, उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करे और हमारे इस भाई, हमारे पिता को संतों की संगति में रखे। न्याय के समय वह इनके प्रति दया भाव रखे। यह मृत्यु से मुक्त होकर और सभी कृपा ऋणों से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर ले। भले गढ़िये की संगति में पधारे और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करे। हे दयालु पिता, तेरे हाथों में हम अपने भाई कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो की आत्मा सौंप देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम दिन ये उन सब के साथ जो ख्रिस्त में मर गए हैं जी उठेंगे और ख्रिस्त के साथ अनंत काल तक जीते रहेंगे। इस जीवन में उनके प्रति किए गए तेरे सभी उपकारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इन वरदानों ने हम सब के प्रति तेरा स्नेह और संतों के साथ हमारा भाईचारा प्रकट किया है। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। स्वर्ग का राज हमारे भाई, हमारे पिता के लिए खोल दे। हम सब से ये भाई विदा हो गए हैं, विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहें जब तक कि ख्रिस्त से हमारा पुनर्मिलन ना हो जाए। इस भांति हम तुझसे और अपने इस भाई, अपने पिता से सदा संयुक्त रहेंगे। दफन की धर्म विधि की प्रारंभिक प्रार्थना समाप्त हो चुकी है। तत्पश्चात हम लोग बड़े सम्मान के साथ में इस दिवंगत शरीर को जुलूस करते हुए संत मरिया महागिरजा घर की ओर ले जाएंगे। ये जुलूस का क्रम इस तरह होगा। सबसे प्रथम में क्रूसधारी सेवक, साथ में मोमधारी सेवक, तत्पश्चात महामहिम तेलेस्फोर पी टोप्पो के पार्थिव शरीर उनके पीछे रहेंगे।
समस्त बिशप गण पुरोहित गण गायक मंडली धर्म बंधु गण धर्म बहने सभी गणमान्य नागरिक प्रतिनिधि गण तथा सभी विश्वासी भाई बहन हम लोग लोयला हॉस्टल के मुख्य द्वार से होते हुए डॉक्टर कमिल पथ रास्ता से आगे बढ़ते हुए जुलूस में हम लोग संत मरिया महागिरजा घर में दफन की अंतिम प्रार्थना तथा दफन के जितने भी गतिविधियां होंगे सम्मिलित होंगे। आप सभी से गुजारिश है कि इतनी बड़ी संख्या के लिए महागिरजा घर में पर्याप्त जगह नहीं होगी, इसलिए अनावश्यक रूप से हम भागम भागी ना करें। यदि गिरजाघर के अंदर हम प्रवेश कर पाते हैं तो प्रार्थनामय वातावरण बनाए रखेंगे, और जगह नहीं होती है भी तो हम लोग जहाँ रहेंगे वहीं से उनको श्रद्धांजलि देंगे, दफन के इस प्रक्रिया को हम पूरा करने में सहयोग करेंगे। सभी वॉलेंटियर से आग्रह है कि आप जुलूस की इस यात्रा को आगे बढ़ने के लिए सहयोग करेंगे। सभी वॉलेंटियर्स